माइंड के इंस्टॉलेशन में आपको एक बात समझनी है, बाल्टी का पानी अगर ज़्यादा क्वांटिटी में है, गंदा पानी 20 लीटर है, 25 लीटर है, 50 लीटर है, तो इस हिसाब से आपको साफ पानी बाल्टी में भरना पड़ेगा। और आपकी माइंड में कितनी नेगेटिविटी है आपको ही पता चलती है ना, आप समझ रहे हैं ना कि आपका माइंड में कितनी ज़्यादा समस्याएं, कितनी प्रॉब्लम आप माइंड में फेस कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से पॉजिटिविटी भी माइंड में भरनी पड़ेगी, माइंड में सब ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से होना चाहिए। तो आप जितने भी ज़्यादा प्रॉब्लम है, इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए, इतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इतना ज़्यादा वक्त लगने वाला है। तो इस तरह से मान के चलिए कि बाल्टी में साफ पानी अगर आप भर रहे हैं तो कभी ना कभी तो बाल्टी का पानी साफ होने ही वाला है, चाहे ये बाल्टी 10 लीटर की हो, 50 लीटर की हो या 200 लीटर की हो। अगर आप लगातार भरते रहते हैं तो कभी तो बाल्टी का पानी बदलने वाला है। लेकिन आपने बाल्टी में पानी, साफ पानी भरना बंद कर दिया तो क्या होगा? गंदगी रहेगी, तो वही रह जाएगा अंदर, जितना गंदगी, जितना कूड़ा कचरा मिट्टी है वही रह जाएगा, पूरी ज़िंदगी रहेगा, यानी पूरी ज़िंदगी माइंड नेगेटिव रह जाएगा। तो आपको कभी हार नहीं माननी है, माइंड चाहे कितना भी अपसेट है, कितना भी नेगेटिव है, कितने भी आप दुखी हैं, चाहे कितने भी टूटे हुए हैं, कोई टेंशन मत लो, बस अंदर जो कूड़ा कचरा नेगेटिविटी जो कुछ भरी हुई है उसको हटाने के लिए आपको और पॉजिटिविटी, और जोश, और जुनून, और कॉन्फिडेंट के साथ आपके अंदर फीलिंग भरना है। और इस तरह से एनवायरनमेंट में खुद को बिजी रखना है। आपकी बाल्टी में साफ पानी भरता ही रहेगा, आपकी बाल्टी कभी तो साफ पानी से भरी होगी, यानी आपका मन शांत होगा, खुश रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, पूरी ज़िंदगी आप एंजॉय कर सकते हैं। तो एक बात मान के चलिए कि प्रोसेस है, और प्रोसेस में सबको समय लगता है, चाहे आप हैं, चाहे मैं हूँ, दुनिया का कोई भी व्यक्ति है, ऐसा किसी के साथ जल्दबाजी होता नहीं है। व्यक्ति चाहे कोई भी है, समय सबके साथ लगता है। तो अपने आप ऐसा मत सोचिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे इतना समय क्यों लग रहा है, मैं जल्दी क्यों ठीक नहीं हो रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आपके साथ नहीं, सबके साथ ऐसा ही होता है। सबको रिकवर होने में, सबको कॉन्फिडेंट बनने में समय लगता ही है।